कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आपको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और क्योंकि आज है हरियाली तीज और इस खुशी में बन रहा है चूरमा। पहले तो हलवे की तैयारी थी, बोल रहे थे कि हलवा बना लो। फिर मैंने बोला हलवा कौन खाएगा, क्योंकि सावन है और मीठा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैंने बोला कि हलवा तो रहने दो, चूरमा बना लेते हैं। इसलिए अब पतिदेव बना रहे हैं चूरमा। और चूरमा बनाने की एक और वजह है कि जो जब चूरमे का डिपार्टमेंट आता है तो वो मेरे जो हस्बैंड है वो हैंडल करते हैं, क्योंकि मैं रोटी बनाती हूँ और चूरमा ये बनाते हैं। और अगर हलवा बनाना होता तो फिर मुझे बनाना पड़ता। वैसे मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है हलवा। इसलिए मैंने बोला कि चूरमा थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, हलवा कौन खाएगा। इसलिए मैंने बोला मैं रोटियाँ बना देती हूँ, आप चूरमा बना दो। और आज तो पूरी फैमिली है खाना बनाने में लगी है। जो है दाल बनाई है हमने, दाल चूरमा बना है आज, क्योंकि दाल बनाई मेरी मम्मी ने और उसमें तड़का लगाया पापा जी ने, और रोटी बनाई मैंने और चूरमा बना दिया मेरे हस्बैंड ने। तो बन गया सारा खाना, क्योंकि मिल बैठ कर हमने पूरा खाना बना लिया आज। और फिर खाना बनने के बाद इकट्ठे बैठ कर सभी खा लेंगे। और वैसे भी हलवा तो कोई भी आ जाता है, मतलब तभी बन ही जाता है, लेकिन चूरमा बहुत कम बनता है। और मेरा मन भी था थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो मैं मीठा कम खाती हूँ, लेकिन मतलब कोई त्यौहार हो तो मीठा बनाना चाहिए घर में। इसलिए फिर हमने सोचा कि चूरमा बना लेते हैं, सभी खा लेंगे और मेरी बेटी भी खा लेती है चूरमा। इसलिए फिर आज हलवे की मतलब हलवा तो हमने छोड़ दिया, चूरमा बना रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। चूरमा भी बन गया है और रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। बस अभी खाना रहता है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और हम मतलब झोला झूल रहे हैं। हम सभी अभी मतलब कि एक बार का काम कंप्लीट करके अभी फ्री थे, सोचा थोड़ी देर झूला झूल लेते हैं। और झूलना भी चाहिए, क्योंकि आज तो तीज है, तीज के दिन तो झूला झूलते ही हैं। सही है, राम राम था। गुल्लू है, रस्सी पकड़ ले। मम्मी ने पकड़ बेटा, मम्मी ने पकड़ ले, मम्मी ने रस्सी ना पकड़ा। बताओ आओ ती दा का बड़ा हो देवा, ऊपर तो छोड़ दूंगी धनुआ, धोती दाने तो ना रंडा कर दूंगी। लुवाई है नरे गीत गाम देर नरे जुलाम देर के वक्त थे जमन नरे एक एक पी हरी कोई नहीं किसी ने बोलो। डरती तो नहीं है, मुंह देखिए इसका। ले जी भाई, मैंने क्या करना।
नाड़े पिंग लेगी पूरा पिंग दे रखी थी। ए सुसु का मुखर लाल हो गया। ये दम में बैठे ऊपर बैठी लगी मार रहा गिर जाएगा चोट मरवा जाएगा नहीं कुछ का मार देगा यो। अरे पिंग लिए पिंगली कैसे आए मजा आया कितना मजा आया झूला के निकलो गुले झूला के माला के बोल दे बोलो तेन गुल्लू आजा ला मैं नती तेरी बारी भाई नोर बना ले डर लाग बहुत डर लाग कर दी दादी तो समा सीधे ऊपर कर ले पैर सीधे हां सीधे राखिए कान कर ले पैर पैर टूट जाएगा बस वो ना करे तेज बस डर रहा है पकड़ दी ला पकड़ूंगा पकड़ूंगा डर से ला पर हाल टैपिंग ले क्या थे निचन लाम जुबांग राम का झूला के माला के गुल्लू के मन्नत के मानसी के फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी तीज कैसी रही कैसे झूला झूले मेहंदी वगैरह क्या बनाया आप सबने और ये उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी अच्छी गई होगी हमारी तो बहुत अच्छी गई हमने झूला भी झूला और सज धज के मैं तैयार भी हो गई और आप सबकी कैसी रही मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स वैसे तो जैसे त्यौहार पहले मनाते थे कितने झूले झूलते थे लोग मतलब इकट्ठे होकर वो सब तो नहीं रहा लेकिन फिर भी हमें अपने कल्चर को आगे लेकर जाना चाहिए और जैसा त्यौहार पहले मनाते थे मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पूरे रीति रिवाज से बनाएं और यही उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ कि जैसा मतलब कि आपके यहाँ है वैसे हमें भी बनाना चाहिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आज का व्लॉग में बस इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी तीज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और मैं यहीं पर आज के व्लॉग का मतलब एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।